मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने बंटी और बबली को बुलेट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो मुंबई से बुलेट चुराकर नासिक ले जाकर बेच दिया करते थे। कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने उनके पास से 3 बुलेट जब्त कर लिया है। आरोपी बंटी चोरी करता है और बबली कॉल सेंटर में काम करती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका भाड़े के घर में रहते हैं। पुलिस की नजरों से बचकर दोनों बुलेट चोरी किया करते थे और आधी रात में उसे नासिक ले जाकर बुलेट को 20,000 से 25,000 में बेच दिया करते थे और खूब इंजॉय करते थे। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी बुलेट चोरी होने का। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान बंटी और बबली को पकड़ लिया। नवंबर 22 से लेकर लगातार कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी हो रहा था। लगातार 3 क्राइम हो गए, तीनों में बुलेट चोरी हो गया और वो भी एक ही एरिया से चोरी होता था। तो हमें तो पता नहीं चलता था कि ये कौन है। आने वाले जाने वाले सब सीसीटीवी हम चेक कर रहे थे लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आखिरी बुलेट का हमें सुराग मिला तो उसको पहचानने वाले नहीं थे, वो एरिया में नए था, इसलिए उनको पहचानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, फील्डिंग लगाई। वो जब चौथे बुलेट के चक्कर में आया तब उसको हमने रेरा में पकड़ाया, फिर उसको ही उसके विजुलाइज दिखाए तो फिर वो सरेंडर हो गया कि यस मैं हूँ। बहुत ही शागिर्द है, 13 महीने जेल में रह चुका है। इगतपुरी, वाशिम, ठाणे, बदलापुर, ये सब जगह पे उसके लगभग 5 गुने यही टाइप के दाखिल हैं। बुलेट का चाबी की जरूरत नहीं है उसको, बुलेट तो एकदम सीधी गाड़ी है, उसको डायरेक्ट करके वो थोड़ा बाहर निकाल के फिर स्टार्ट करके, बाहर निकल के बाद वो लड़की को पीछे बिठाता था और फिर बाकायदा पुलिस के नाकाबंदी से भी जाएगा तो पुलिस ज़्यादातर कोई लेडीज है तो नहीं रोकती है, तो इसका फायदा उठा के वो आम तौर पे चोरी करके यहाँ से निकल जाता था। मुंबई के बाहर ओझर, जैसे कि नासिक के वो बाजू में एक 10-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ओझर नाम का सिटी है, वहाँ जाके वो बुलेट बेचता था। सर कितने बेचता था? ऊपर प्राइस है उसका, लेकिन ये चोरी का बुलेट लगभग 20-25 में बेचता था और फ्री होता था। सर बंटी और बबली के अलग अलग बैकग्राउंड क्या है, दोनों का अलग अलग इस केस में रोल क्या, बताइए। इसमें जो आप जिसे बंटी बोल रहे हो, महेश खापरे, उसका उम्र है 27 साल, वो मुरबाड़ का रहने वाला है, वो यही टाइप की चोरी करता है। लगभग 13 महीना वो जेल में रह के बाहर आया था और इसे जो लड़की मिली है उसका लीव रिलेशन था उसके साथ में, उसके साथ शादी करनी है उसको, लेकिन फिर भी चोरी करने को जाता था तो उसको साथ में लेके जाता था। वो है कि वो एक ही एरिया में नहीं रहता है, ऐसा कि अभी वो 5 गुना दाखिल है वहाँ तो पूरा पहचानने में आया है, तो अभी राजेंद्र नगर में उसने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया था, उसमें वो रहते थे ताकि ये एरिया में उसको पहचानने वाले कोई नहीं। रात के समय निकलता था और चलते चलते कोई बुलेट देखी बस उसको धक्का मार के कंपाउंड के बाहर निकलता था और डायरेक्ट करके वो चालू करता था। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 बुलेट उसने चुराई थी, तीनों के 3 बुलेट हमने ओझर से रिकवर किए हैं, जिसे बेचा है उसको भी लाए हैं और उसको भी पहली बुलेट दिया तो उसको मालूम नहीं था चोरी का है, लेकिन दूसरी और तीसरी बुलेट उसको बेचा तो उसको मालूम था कि ये चोरी का बुलेट है। चोरी का होने के बाद भी वो खरीदता था विदाउट पेपर का, उससे खरीदने वाले भी विदाउट पेपर खरीदते तो इसलिए उसको पेपर का कोई टेंशन नहीं था, इसलिए वो 25,000 में बुलेट देता था क्योंकि उसके साथ कोई पेपर नहीं देता था।